ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये बहन चो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चोत के बच्चे इतने गांड फटी के ये बड़वे आ रही है भागती भी, हम नहीं ना घुस जाए आगे। आपने कभी लाइव रिपोर्टिंग के दौरान पाकिस्तानी महिला रिपोर्टर को अश्लील बातें करते हुए सुना है, जिसे सुनने के बाद आपका दिल भी गार्डन गार्डन हो उठेगा? नहीं ना, तो आज हम आपको कुछ ऐसे ही पाकिस्तानी रिपोर्टर से रूबरू कराने वाले हैं, जिसकी बातें सुनकर आप भी कहेंगे कि इन नमूनों को किसने काम पर रख लिया। सबसे पहले हम जिस महिला से आपको रूबरू कराने वाले हैं, उस महिला की जुबान फिसलते ही उसके मुंह से कुछ ऐसा निकल गया जिसे सुनने के बाद आप कहेंगे वाह रे पाकिस्तान की तहजीब। आप भी सुन लीजिए। चीन के मरकज 90 कराची में डॉक्टर इमरान फारूक के लन में कत्ल होने के मैंने इंग्लिश में लन बोल दिया ना, लंदन, उर्दू में क्या बोलेंगे? क्यों, क्या हुआ दोस्तों, आया ना मजा? तो आगे और भी मजा आने वाला है, अभी तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता क्या है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों आप इस महिला को देख लीजिए जो लाइव रिपोर्टिंग कर रही है, लेकिन अचानक कुछ आवाज आती है और उस आवाज पर महिला कुछ ऐसा बोलती हुई नजर आती है जिसे सुनने के बाद आप भी कहेंगे एक तरफ तो पाकिस्तानी महिलाओं को चार दीवारी पाबंदियों में रखा जाता है और तहजीब की बातें करता है, शायद उन चार दीवारों में इन्होंने यही सीखा हुआ है। सुनिए आप भी जरा। पाकिस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हल्की हल्की हवा चल आई है, बच गई मैं। यहाँ तक आई है सर, लाइट फटी है सारी मेरे ऊपर आके। अब इन चाचा को देख लीजिए, जहाँ एक महिला रिपोर्टर जब इनसे पूछ ही लेती है कि क्या आपको इस मार्केट में आने पर इन प्रथाओं की वजह से किसी तरह की कोई परेशानी होती है, तो चाचा का हैरान कर देने वाला जवाब क्या था, आप भी सुनिए। भाई के यहाँ पर आप आइए, बुजुर्ग आप आइए, कोई मसला होता है मार्केट में आने में ये इस पत्थरों की वजह से और ट्रैफिक की वजह से? कोई और हमने जो है ना हत्ती बोर्ड लगाई मन के हत्ती लगाई, बच्चा था। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अब इन दोनों रिपोर्टरों ने तो हद ही कर दी, जो लाइव रिपोर्टिंग के दौरान एक दूसरे से लड़ने लगे, एक दूसरे को तहजीब सिखाते हुए नजर आ रहे हैं। करूंगा मैं इसके साथ, वो कह रही मेरे साथ बात ही ना करो। मैंने लहजे के भाई तुम्हारा अगर कोई अपना मसला चल रहा है उसको मेरे साथ नहीं डिस्कस करो ना यार। तुम्हीं से मैंने कौन सी बदतमीजी की है? किस टोन में बदतमीजी की है? जाहिल तो इसको को अपनी जबान कंट्रोल करे, ये ग्रैब हो रहा है सारा, अजीब इसके नखरे नहीं खत्म हो रहे भाई। अब हम आपको जिस मोहतरमा से मिलवाने वाले हैं उन्हें शायद ठरकी लोगों की अच्छी खासी पहचान है। अरे 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 गलत ना समझो, देखो इन्हें जरा। ठरक वो होते हैं, लालच भी कहते हैं ठरक को, और ठरक एक तो ठरक वो होता है ना जो आदमियों के अंदर। तो मुझे ये बताएं कि ठरकियों की क्या निशानियां होती हैं? ठरकियों में बूढ़े भी आते हैं, जवान भी आते हैं और न्यू जनरेशन भी आती है, लेकिन जो बूढ़े आते हैं ना उनकी तादाद जरा ज्यादा बढ़ती है। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान की इन महिला रिपोर्टर्स के बारे में जो अपनी अश्लीलता को इस कदर बयां करती हुई नजर आ रही हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।